जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आ रहे हैं और हर भर्ती में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है ये जो आपके स्पॉन्सर सर्टिफिकेट। बहुत से बंदे पूछ रहे हैं कि सर ये जो एक्चुअली में होता क्या है और कहाँ काम आता है और कैसे से बनवाया जाता है, ठीक है। तो ये जो हर भर्ती में मांगा जाता है, नहीं मांगा जाता है, कौन कौन बना सकता है इस सर्टिफिकेट को, इसके बारे में पूरी जानकारी स्टेप बाय जानकारी बताने वाला है आपको। तो पूरा कंप्लीट देख लेना। जो भी भाई इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है, सभी भर्तियों के लिए जरूरी नोटिफिकेशन है और सभी भर्तियों में ये सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो कंप्लीट वीडियो देख लेना, सबसे बड़ा बदलाव है। तो आपके लिए सबसे बड़ा बदलाव इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं स्पॉन्सर सर्टिफिकेट कैसे बनवाया जाएगा और आपको कहाँ से बनाना है, सभी भर्तियों के लिए आपको क्या बेनिफिट होता है, ये जरूरी है, ठीक है। पूरा वीडियो देखो, कंप्लीट इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ। ओके, सो अभी जो आपके सामने नोटिफिकेशन दिख रहा है, ये एक बंदे ने बना रखा है स्पॉन्सर सर्टिफिकेट, ठीक है। स्पॉन्सर सर्टिफिकेट ऐसा है जो आपको देखने को मिलेगा। अब आप पे ले चलता हूँ आपको फॉरम पे, जो आपका फॉरम है उसी पे आपको बताने वाला हूँ कि जो स्पॉन्सर सर्टिफिकेट कैसे आपको बनवाना है, क्या उसका प्रोसेस है। ओके, सो अभी जो आपके सामने नोटिफिकेशन दिख रहा है, जो एक फॉरम है जो स्पॉन्सर सर्टिफिकेट बनाने की जो फॉरम फिलअप किया जाता है, चाहे आप यूनिट पर बना सकते हो या आपने जो जिला बोर्ड होता है, ठीक है, वहाँ पर भी इससे जो सर्टिफिकेट को बना सकते हो। एक्चुअल में होता क्या है, इस सर्टिफिकेट से जिन बंदों की एज है, जैसे कि जो अभी आपकी एज लगभग जो अभी 2 महीने बाद भर्ती आपकी नहीं आ रही है, 1 साल हो गई है और आपकी भर्ती नहीं आई है, तो आपकी एज कंप्लीट होने वाली है या कुछ दिक्कत होने वाली है, आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी तो आप इस भर्ती को नहीं देख सकोगे। तो ये आप स्पॉन्सर कर सकते हो अपने भाई को, ये आप अपने हिसाब से जो भी आपका पापा है, छोटे भाई है, जो भी है, आप छोटे भाई को भी आप स्पॉन्सर कर सकते हो इस सर्टिफिकेट के माध्यम से। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस सर्टिफिकेट से, ठीक है, क्योंकि बहुत सी ओपन भर्ती होती हैं, बहुत सी स्पोर्ट भर्ती होती हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भर्तियाँ होती हैं, तो उनमें आप अपने यूनिट से रिलेटेड या अपने सेंटर से आप इसको स्पॉन्सर कर सकते हो, जिससे बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिले, ठीक है। तो इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप जो अपने पापा है या जो अपने भैया है उनके थ्रू आप ये सर्टिफिकेट बना सकते हो, ठीक है। आप CO यूनिट होती हैं जो आपकी पापा सर्विस में है या अपने भैया सर्विस में, उसके थ्रू वहाँ पर भी ये बन सकता है यूनिट में। सेकंड चीज़, आप यदि आप रिटायरमेंट हो चुके हो या जो अपने पापा रिटायरमेंट हो चुके हैं तो आप उसके थ्रू भी बना सकते हो। तो कैसे, यदि आप घर पे हो तो आपको कोई जिला सैनिक बोर्ड है वहाँ से आप बना सकते हो, ठीक है। जिला सैनिक बोर्ड से भी ये जो सर्टिफिकेट बन जाएगा, वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ये सर्टिफिकेट वहाँ से भी बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके बता दिए कैसे बनेगा। अब इस बनाने का तरीका बता दूँ, ये फॉर्म आपको अपने जो भी जो आपको डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, लगभग जो इंडियन आर्मी के जो जवान हैं उन सभी को ये पता होता है कि कहाँ से बनता है। बट ये नोटिफिकेशन आपको कोशिश करूँगा ये इसको लिंक देने की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप डाउनलोड करके आप जिला वहाँ पे बोर्ड में जाके बना सको। या ये सर्टिफिकेट आपको जिला बोर्ड वहाँ पे भी मिल जाएगा और यूनिट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे मेजर साहब से या जो आप वहाँ से बात कर दो तो मेजर साहब के आप बता देंगे आपको कि जो क्या और कहाँ से मिलेगा। इसको बनाने का आपको सबसे फर्स्ट तरीका यही है, अपने यहाँ पे जो भी अपने पापा की रैंक है, जो आपके उनका नंबर है, वो यहाँ पे आपको डालने होंगे। उसके बाद में उसकी ट्रेड क्या है, यानी आपके पापा या भाई किस ट्रेड से बिलोंग करता है, जैसे आपको जीडी ट्रेड में टेक्निकल है, जो आपकी अलग अलग पोस्ट है तो उसमें कौन सी पोस्ट पे है वो आपको लिखना है। यहाँ पे नाम क्या है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। यूनिट आप इसमें कौन सी यूनिट से बिलोंग करता है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसके बाद अपना यहाँ पे आपको जो अपना सेकंड जो पोजीशन पे आपको लिखना है अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपको जन्म तारीख यहाँ पे फिलअप करनी है। दो चीज़ कंफर्म होने के बाद आपको यहाँ पे स्पॉन्सर जो बंदा स्पॉन्सर कर रहा है स्पॉन्सर कर रहा है, यानी आपको इसका शब्द ही एक चीज़ ये होता है कि अपने छोटे भाई को स्पॉन्सर करना, उसको उस भर्ती के बारे में प्रोत्साहित करना या उसी को भेजना, ये चीज़ होती है, ठीक है। ये हो गया, तो स्पॉन्सर नंबर यहाँ पे आपको डालने होंगे, रैंक डालनी होगी और उसके नाम डालना होगा। ये चीज़ तीनों कन्फर्म होने के बाद सेकंड आपको यहाँ पे मोर डालेगा। वो आप यहाँ से बनवाते हो यूनिट से तो आपको यूनिट की छाप मिलेगी, आपको मोर मिलेगी, और जिला बोर्ड से बनाते हो तो आपको जिला बोर्ड की यहाँ पे मोर आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपको स्पॉन्सर बता रहा हूँ जो सर्टिफिकेट बना है, वैसे ही आपको जो आपको देखने को मिलेगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अब जो अभी सामने दिख रहा है आपको स्पॉन्सर सर्टिफिकेट है, इसमें जैसा वैसा ही इसमें प्रोसेस बता रखा है, जो उसका नाम है वो बता रखा है, स्पॉन्सर नंबर बता रखे हैं, जो अपना नाम है और इसके नाम दे रखा है, जन्म तारीख दे रखी है, वही इसका प्रोसेस बता रखा है। सेम वैसा ही बनेगा जो आपका सामने नोटिफिकेशन दिख रहा है और जो बनने के बाद दिखेगा, सेम ऐसे ही मोहर दिखेगी आपको। मेजर साहब की जो ऑफिसर जो उसकी मोहर है छाप है वो दिखेगी, इसके साथ आपको डेट देखने को मिलेगी, सिग्नेचर देखने को मिलेगी, ये चीज़ कन्फर्म होनी चाहिए। इसी के थ्रू आप जो स्पॉन्सर कर सकते हो किसी भी भर्ती में जा रहे हो तो ये सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले।
ठीक है, स्पॉट का बंदा है, रिलेशन है, तो आप देख सकते हो इस भर्ती को। स्पॉन्सर वाले जो बंदे हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, चाहे आप रिलेशन से बिलोंग करते हो या अपने स्पॉट का सर्टिफिकेट है, किसी से बिलोंग करने वाले बंदे हैं तो वो इस भर्ती को देख सकता है इस भर्ती इस सर्टिफिकेट के थ्रू। ठीक है, बनाने का पूरा तरीका मैंने बता दिया है, बाकी कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हो जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। ठीक है, मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।